सकते हैं, वहां से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का अभी कॉलेज शुरू हो रहा है, पूरे सत्र में बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि उनका मोबाइल गायब हो गया, मोबाइल उनका कोई चुरा लिया। मोबाइल कोई चुराता नहीं है, आज के जमाने में हर आदमी होशियार है, मोबाइल कोई चुरा के जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज सबके मल्टीमीडिया मोबाइल है और वह सिम केवल ट्रेस नहीं होता, मोबाइल भी ट्रेस होता है, सर्विलांस पर मोबाइल भी ट्रेस हो जाता है, इसलिए कोई मोबाइल चुराता नहीं है, ये विश्वास मानिए। लेकिन इसी के साथ मैं एक और बिल्कुल बेबाक स्वर में आपसे कहना चाहता हूं, आपके मोबाइल की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, महाविद्यालय की आपके मोबाइल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये पहले से इस कॉलेज में चला आ रहा है, इसलिए यदि आपका मोबाइल चोरी होता है, यदि कार्यालय को मोबाइल प्राप्त हो गया किसी के माध्यम से, तो आपको सकुशल वो मोबाइल मिल जाएगा, अन्यथा आप मान के चलिए कि आपका मोबाइल गायब हो गया, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके FIR करा सकते हैं, जो मर्जी में आए शो कर सकते हैं, महाविद्यालय किसी भी तरीके से आपके मोबाइल का कोई जिम्मेदार नहीं है। इधर अपने महाविद्यालय में एक प्रवृत्ति देखिए, क्योंकि हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रहा है, हमारे महाविद्यालय में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। क्योंकि हमारे जो शौचालय है महाविद्यालय के, उसमें कहीं रजनीगंधा का पुड़िया मिल जाता है, कहीं कुछ सूरती खाया हुआ मिल जाता है, कहीं वो पैकेट में बना हुआ सूरती का हिस्सा मिल, आदि आदि। और ये केवल जो है किसी विशेष में नहीं है, हर जगह ये आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होते हुए किसी को पकड़ा गया तो उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग पहले से रहते हैं इस महाविद्यालय में, पढ़ रहे हैं 2 साल से 3 साल से 4 साल से, जो नए आ रहे हैं, इसलिए मैं उस बात को बता रहा हूं, इस महाविद्यालय के किसी भी कोने में कहीं भी ना तो आपको थूका हुआ मिलेगा, ना कोई चीज कहीं पर गिरा हुआ मिलेगा। क्योंकि हमारा प्रत्येक विद्यार्थी जो पुराना हो गया है, हमारे शिक्षक यदि कोई चीज कहीं गिरा रहता है तो उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, इसलिए कोई चीज मिलता नहीं है। हम लोग इतने ढेर सारे, हम लोगों के पास 3,500 बच्चे हैं, इसके बावजूद ऐसा होता है, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह उपलब्धि हमारी छीन ना हो, इसलिए मैं सबको आगाह करता हूँ कि इस चीज पर आप ध्यान दें। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई नशा करना हो तो महाविद्यालय में आप नशा करके ना आए, महाविद्यालय के बाहर जितना मर्जी में आए उतना नशा करें, दिन भर दिन रात करें, कोई रोग नहीं है। लेकिन वैसे एक चीज याद रखिएगा, आप नशा करेंगे तो एक दिन नशा आपको करेगा, ये कटु सत्य है। यदि आप नशा करेंगे तो एक दिन नशा आपको करेगा, और तब वो बताएगा कि आपके नशा करने का क्या असर होता है। जिन लोगों ने किया है वो लोग समझ रहे होंगे, वो लोग जान रहे होंगे और जानते होंगे। परिसर प्लास्टिक मुक्त है, सभी से अनुरोध है, यदि कोई भी प्लास्टिक की कोई भी थैली लेकर आ रहा हो, कोई भी छोटी बड़ी चीज लेकर आ रहा हो, तो उपयोग करने के बाद, हमारे यहाँ इस समय 2 तरीके के कूड़ादान रखे गए हैं, यदि देखा गया होगा तो, एक हरे रंग का है और एक नीले रंग का, आप वहां डाल दें, तो हम लोग सॉर्टिंग करवा के उसको बाहर दे रहे हैं, भेज रहे हैं। एक आग्रह है और, हमारे सभी शिक्षक और जानते हैं कि हमारे यहाँ का कोई विद्यार्थी डेस्क बेंच पर कुछ नहीं लिखता, लेकिन लिखा पाया गया है, लिखा देखा गया है और लिखा जा भी रहा है। इसलिए आग्रह है आप सभी से,
कि डेस्क बेंच पर कुछ न लिखे, क्योंकि आप सभी लोग पटरी लेकर पढ़ने नहीं आते। कक्षा एक के विद्यार्थी नहीं है, आप सभी के पास कागज होता है और पेन होता है। जितना मर्जी में आए उतना उसी पर लिखिए, चाहे राजा का नाम लिखिए चाहे रानी का नाम लिखिए, जिसका मर्जी में आए उसका नाम लिखिए। जिस समय लिखते हुए पकड़े गए, अनुशासनहीनता में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जैसे आपका घर है वैसे आपके लिए आपका महाविद्यालय होना चाहिए, वैसे ही सबके लिए महाविद्यालय की पृष्ठभूमि होना चाहिए। महाविद्यालय का प्रत्येक कोना उसी तरीके से होना चाहिए। आप अपने घर में पेंसिल लेकर जो है उस पर चित्रकारी नहीं करते हैं दीवारों पर, किसी उस पर नहीं करते हैं, किसी अपने बर्तन पर आप जो है कोई काम नहीं करते, यहां क्यों करते हैं भाई? क्यों आखिर करते हैं? आपके घर में तो 4-6 लोग रहते हैं और यहां तो ढेर सारे लोग रहते हैं, यहां तो और बचना चाहिए। और इतना ही नहीं है, आप बचिए चाहे न बचिए, हमारे प्रत्येक कमरे में कैमरा लगा हुआ है और प्रतिक्षण उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। कोई भी इस उसमें ना रहे भ्रम में कि ऐसा नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर वह देखा जाता है। यही हाल है, आवश्यकता पड़ने पर देखा गया है और यही से लोगों को जो है दंडित भी किया गया है। इसी में कार्यक्रम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए, तो ऐसा नहीं है कि वहां के बारे में देखा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो सभी लोग उसको चेक कर सकते हैं। इसलिए हमारे डेस्क बेंच पर, या आप अपना समझें तो आपके डेस्क बेंच पर आपके द्वारा कुछ लिखा नहीं जाना चाहिए। महाविद्यालय में गणवेश लागू है, आपको गणवेश में आना चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी महाविद्यालय महाविद्यालय या कुछ भी समानता के अधिकार को लेकर आता है, समानता के पाठ को पढ़ाता है, इसलिए गणवेश धारण करना भी उसी में है। एक यूनिफॉर्मिटी है, एक समानता है, चाहे कोई बड़ा हो और चाहे कोई छोटा। इस धारणा के साथ आपको गणवेश में आना चाहिए। बाकी 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपका पूरा समय है। जितना आधुनिक से आधुनिक परिधान धारण करके आपको रहना हो उतना आप रह सकते हैं, कौन आपको मना करने जा रहा है? जब आपके माता पिता आपको नहीं मना करते तो हम क्यों मना करें? लेकिन महाविद्यालय में ऐसा नहीं चलेगा। महाविद्यालय में आपको महाविद्यालय के अनुरूप आचरण व्यवहार करना पड़ेगा, और वो इसलिए कि आपके आचरण व्यवहार और व्यक्तित्व में हमको परिवर्तन लाना है। आपको 3 साल में एक मुकम्मल ऐसा व्यक्तित्व निखार कर यहां से भेजना है जो आपके परिवार में काम आ सके, आपके समाज में काम आ सके, देश में काम आ सके और पूरे राष्ट्र का भला कर सके। आप में ऐसे व्यक्तित्व को हमको फूंकना है, ऐसे व्यक्तित्व को आप में उभारना है, हमको उसको गढ़ना है, क्योंकि यही महाविद्यालय की मंशा है और यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी मंशा रही है कि ऐसे भारतवासी बने, ऐसे देश के युवा हो जो जब अवसर पड़े तो देश समाज के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सके और करते रहे। हम हमेशा अपने पड़ोसी देशों को गाली देते हैं। अरे कभी अपने देश में तो झांक कर देख लीजिए, वो पड़ोसी देश तो आप ही के देश में। हम अपने को पहले बचा लें, अपने अंदर के उन दुर्भावनाओं को, दुराग्रह को यदि हम ठीक कर ले जाए तो सब सिद्ध हो जाएगा। तमाम न्यूज आती रहती है कि यहां आज ये हो गया, यहां फला का समर्थक पाया गया, वहां फला का समर्थक पाया गया। तो भाई क्यों हम उन दूसरे को पहले समझाने जाते हैं, क्यों अपने यहां नहीं समझा लेते? ठीक है, एक
एक अच्छी बात है कि हमको अपने को देखना चाहिए, अपने को केंद्र में रखकर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजों पर विश्वास नहीं करता, उन्हीं चीजों पर विश्वास करता हूं जो सामने दिखता है। एक सूरज है समस्त जगत को प्रकाश देता है, यदि उतना दीप्तिमान न होता तो समस्त सृष्टि को प्रकाशमान न कर रहा होता। उस तरफ तो अग्रसर होइए, एक चंद्रमा है सबको शीतलता प्रदान करता है, किसी के साथ कोताही नहीं करता, लालची है, घमंडी है, चोर है, किसी भी तरीके से कोई भी कर्म कर रहा हो, क्या कभी सूरज ने ये पूछा या सूर्य ने ये कोई प्रतिबंध लगाया कि हम तुम्हारे ऊपर अपना प्रकाश नहीं बिखेरेंगे? क्या चंद्रमा ने ऐसा किया क्या कि तुम्हारे ऊपर प्रकाश नहीं बिखेरेंगे? अरे ये तो उसी तरीके से है ना, चंदन निष्व्यापक नहीं लिपटे रात भोजन, आप सभी लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने व्यक्तित्व को वहां तक ले जाइए कि आपकी ऊर्जा से, आपके प्रकाश से, आपके व्यक्तित्व से सभी लोग प्रकाशमान हो, अपने आप आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को अपने आप को ढालना होगा, ढालना चाहिए। महाविद्यालय की कुछ गतिविधियों को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी इसमें मौजूद हैं, विशेषकर उनके लिए है, महाविद्यालय परिवार उनका अपने यहाँ स्वागत कर चुका है। मैं पुनः इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर महाविद्यालय की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारी सभी कक्षाएं चलती हैं, सभी कक्षाओं के चलने का पूरा शेड्यूल सभी शिक्षकों का हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। जब आप चाहे हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलिए और वहां सर्च कीजिए। मैं इस समय ये नहीं बताऊंगा आपको कि कहां कहां सर्च कीजिए, क्योंकि जब सर्च करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आपके प्रत्येक विषय के प्रत्येक पेपर की पाठ्य योजना डाली गई है, वो बहुत कुछ सोच समझ कर बनाई गई है। एक दिन में नहीं बनती है ऐसी चीजें, एक दिन में ऐसी परिकल्पनाएं नहीं आती, बहुत समय लगता है। वो इसलिए है कि आपको पहले से पता हो कि हमको अमुक कक्षा में क्या पढ़ना है। आप उसको एक बार पढ़ के आए, एक बार उसको देख कर, वो मनसा ये है कि आप एक बार देख कर आएंगे तो किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। भली बात, उस पर आपका प्रश्न हो सकता है, आपकी क्वेरी हो सकती है। साप्ताहिक व्याख्यान होता है, जो है विद्यार्थियों द्वारा साप्ताहिक कक्षा अध्यापन होता है। हम लोगों ने इस वर्ष उसको बदला, महाविद्यालय की रणनीति थोड़ी बदली है, क्योंकि हम लोगों को माइनर की कक्षाएं चलानी है। हम लोग माइनर की कक्षाएं उसी में चला रहे हैं और आगे चलेंगे। उस दिन जो हम लोगों की योजना है हमारे शिक्षक बंधुओं के माध्यम से आप तक पहुंच गई होगी कि वह आपको उस माइनर की कक्षा से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा देंगे पहले, और उस पर वो आपको तैयार करेंगे, और फिर आपका उस कक्षा अध्यापन होगा, या आप उस पर आकर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट आप उस पर बैठकर अपनी बात को या खड़े होकर कह सकते। जहां नहीं शुरू हुआ होगा, मेरे समझ में सभी जगह शुरू हो गया होगा, या कुछ सिलेबस बता रहे होंगे तो निश्चित तौर पर इस हफ्ते शुरू हो जाएगा और वह सब आपके सामने वो सब चीजें आ जाएंगी, आपको भी जानना चाहिए। इसी क्रम में जितना पढ़ाया गया होता है महीने भर में
उसका एक मासिक मूल्यांकन होता है, आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट के पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं, वो हम लोगों ने थोड़ा सा उसका परिवर्तन किया है। पहले हम लोग विश्वविद्यालय परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा कराते थे, अब हमारे पास सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के कारण हम लोगों को पता नहीं है, समय नहीं है, पता तो है समय नहीं है कि हम कहाँ समय निकाल कर आपकी विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा कराएं, क्योंकि विश्वविद्यालय इसमें चार बार परीक्षा कराता है। हम उसमें आपका अभ्यास कराने के लिए तत्पर है, ताकि आपका अभ्यास हो सके उस मासिक मूल्यांकन के माध्यम से, और आप जो है आपका मासिक मूल्यांकन हो सके, जिस तरीके के प्रश्न आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा में आएंगे उस तरीके के प्रश्न से आपको रूबरू करा दिया जाए मासिक मूल्यांकन के माध्यम से, इसलिए किया जाता है। अभी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, जो कई वर्षों से शुरू रहा है, इधर गत वर्ष में कुछ दिन रहा, स्वैच्छिक साप्ताहिक स्वैच्छिक श्रमदान, एनएसएस को केंद्र मानकर यह योजना शुरू की जाती है, जिसमें भी सबके लिए स्वैच्छिक है, जिसमें भी श्रम के प्रति आचार विचार आकर्षण है, उन सभी से आग्रह किया जाता है कि आप सभी उसमें जुड़े और जुड़कर श्रम के प्रति अपना आचार विचार और व्यवहार ठीक करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन श्रमदान करने से महाविद्यालय पूरा ठीक हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे जो है इम्प्लाई यहाँ लगे होते हैं, वो नित्य प्रति अपना कार्य करते रहते हैं। विद्यार्थियों के बोध देने की परंपरा इस महाविद्यालय में, प्रत्येक शिक्षक 5 विद्यार्थियों को गोद लेता है, बहुत सारे शिक्षक जिनके पास जगह खाली होगी वह अब तक प्रस्ताव आपके सामने लेकर आ गए होंगे। गोद लेने की परंपरा मात्र इसलिए नहीं है कि दिखाने के लिए गोद ले लिया जाता है, और गोद लेने से कुछ नहीं होता, आप बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम उस शिक्षक के प्रति आपका लगाव होगा, शिक्षक का आपके प्रति लगाव होगा, बार बार आपसे और उससे इंटरेक्शन होगा, वो किसी ना किसी आपके तीनों विषय में से एक विषय का होगा, ना चाहते हुए चाहते हुए भी वह आपको प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि आप उसके प्रेरणा से कुछ ग्रहण कर लें तो आप निश्चित मानिए कि थोड़ा बहुत तो जो है आप वहां अपने आप में परिमार्जन कर सकते हैं। चलो इसको भी यदि आप छोड़ दें, कम से कम इस महाविद्यालय में आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम वह तो शिक्षक होगा जो आपकी बात सुन सके, जिससे आप अपनी पूरी बात कह ले जाए, आपको कहना भी चाहिए। इस महाविद्यालय में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं और ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा मदद की है, और विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों की मदद की है, ऐसा नहीं, ये किसी एक तरफ से एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती। हमारे श्रीकांत जी इसके प्रमाण हैं, उनके साथ विद्यार्थियों की एक पूरी टोली होती है, और उनके कहने पर जो है जो चाहते हैं वो इस महाविद्यालय में कराते हैं, और सभी पूरा महाविद्यालय जानता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, और किसी को जरूरत पड़ती है तो सारे लोग श्रीकांत जी की तरफ देखते हैं, इसलिए हम सभी को उस तरफ अपना जो है काम करना चाहिए। महाविद्यालय में आप सभी लोग देखते होंगे हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर आगे बैठते हैं, जो है प्राथमिक उपचार केंद्र पर डॉक्टर आगे बैठते हैं, वो आपके किसी भी समस्या के निदान के लिए तत्पर रहते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आप वहां
बातचीत कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ विद्यार्थी 50 किलोमीटर का नहीं है, हमारे यहाँ विद्यार्थी इसी चारों तरफ गांव के विद्यार्थी अधिकांशता है। अपने गांव में यदि वो इसका प्रचार प्रसार कर ले जाए कि महाविद्यालय में हमारे दो दिन डॉक्टर बैठते हैं, फ्री में देखते हैं, फ्री में दवा बांटते हैं, तमाम ऐसे आपके गांव में लोग होंगे जो दवा कराने बाहर शहर में नहीं जा पाते होंगे, उनको आप प्रेरित कर सकते हो यहाँ आए, जरूरत पड़ेगा तो उनके लिए दूसरे भी डॉक्टरों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी। महाविद्यालय हमेशा इसके लिए तत्पर रहता है और कार्य करेगा। यदि आप ऐसा आप लोग करते हैं, अपने गांव में इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उन लोगों का भला होगा जो आपके सहयोगी हो सकते हैं, आपके सहगामी हो सकते हैं या आपके गांव हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां मैं रेखांकित करना चाहता हूं, वो हमारा पुस्तकालय है। पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण परंपरा इस महाविद्यालय में है। बहुत सारे हमारे नए विद्यार्थी हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उस बात को मैं यहां ला रहा हूं। हमारे पुस्तकालय में दो समानांतर व्यवस्था चलती है। एक व्यवस्था तो ये है कि आप एडमिशन लिए, दो कार्ड बनवाए और दोनों पर जाके आपने पुस्तकों को ले लिया, एक व्यवस्था सामान्य तौर पर है। हो सकता है कि जो पुस्तक आप चाहते हो वह पुस्तक जो है महाविद्यालय के लाइब्रेरी में ना हो और आपको उसको पढ़ना आवश्यक लग रहा हो। आप ऐसी पुस्तकों या महाविद्यालय के पुस्तकालय में जब पुस्तकें समाप्त हो जाए, आप किसी भी पुस्तक की दुकान पर जाकर पुस्तक परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। उसकी बस छोटी छोटी दो शर्त जो आपको हर दुकान पर मिलती है। पहली शर्त है कि आप उसकी रसीद प्राचार्य महाराणा प्रताप महाविद्यालय के नाम से बनवाएं ताकि उसका भुगतान आपको हो जाए। दूसरा ये कि 10% उसमें डिस्काउंट हो, लाइब्रेरी में आप लेके आइए, लाइब्रेरी में चढ़वाइए और अपने नाम से ऐलान कर लीजिए या करा लीजिए और पढ़िए। इस तरीके से कुछ महाविद्यालय की योजनाएं हमने आपके सामने रखी है। आशा है कि हम सभी मिलकर उसके कार्यान्वयन में सतत रूप से सहगामी होंगे, सहयोग करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। बाकी एनएसएस रोबर्स रेंजर एनसीसी महाविद्यालय में है, जो समय समय पर आपके सामने लोग लेकर आएंगे, उसमें भी आप जो है प्रतिभाग करते हैं और आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। अंत में प्रसन्नता दिख रही है सभी को अंत कहने पर, ठीक है, क्योंकि अंत में बोलने का अवसर मिलता है और बात कहनी होती है। याद रखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन इस महाविद्यालय में होते हैं जिस पर महाविद्यालय का कोई ना कोई व्यक्ति, प्राचार्य जी रहते हैं वो अपनी बात रखते हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी व्यक्ति जो आएगा वो अपनी बात रखेगा जरूर। आज हम अपने महाविद्यालय की बहुत सारी योजनाओं को आपके सामने रखे हैं। 26 जनवरी को हम इन्हीं योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आपके सामने प्रेषित होंगे और उस समय हम उसके मूल्यांकन की तरफ अग्रसर होते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये महाविद्यालय इसी के माध्यम से उन अमर शहीदों के प्रति, उन वीर
वीर बलिदानियों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, क्योंकि उनके सोच उनके विचार के प्रति यह महाविद्यालय सतत अग्रसर रहता है और सतत अग्रसर रहेगा। आप सभी के सहयोग से इसमें हम सदैव आगे रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सर आपका। और सबसे पहले मैं जो मेरे सामने मेरे प्यारे भाई बहन बैठे हुए हैं उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना भरपूर समय दिया है। और प्राचार्य सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारे विषयों पर प्रकाश डाला है। आचरण, व्यवहार, स्वच्छता, महाविद्यालय परिसर की व्यवस्था, सुरक्षा एवं अनुशासन। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट का और कार्यक्रम में आप लोग बस एक्टिव हो जाइए। और मैं अपने भाइयों बहनों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उप प्राचार्य ने हमें बताया है, सिखाया है कि हमें इसको अपने अंदर अपनाना है। ये जितना कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हुआ है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जिन वीरों ने अपने प्राण को न्यौछावर करके हमारे भारत को आजादी दिलाई है, जिसके लिए आज यहाँ पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर हम ही युवा देश की ताकत है, मैंने आपको बताया था हम ही युवा पीढ़ी है, अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा। ये हमारा महाविद्यालय परिसर है, हमारा महाविद्यालय है, इसलिए जो भी त्रुटियां अब तक हमसे हुई हैं, आज के दिन अपने मन में शपथ लीजिए कि आप वो सारे कार्य छोड़ देंगे जो महाविद्यालय के विरुद्ध है। महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाइए, क्योंकि हम सही रहेंगे तो हमारा महाविद्यालय सही रहेगा, और हमारा महाविद्यालय सही रहेगा तो पूरा गोरखपुर सही रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं राष्ट्र की वंदे मातरम के लिए देवशिखा, बबली और शिवन्या को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। छात्र बाद में आएंगे, पहले छात्राएं दो लाइन बना के निकले हैं पीछे से।